नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 3 अंक का गुणा को, और वो भी एक झटके में गुणा को करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर 3 सवाल दिया गया है और तीनों सवाल को हम लोग एक स्टेप में, एक लाइन में उसका आंसर निकाल करके रखेंगे, ठीक है। दोस्तों, इससे पहले जब भी आपको गुणा करने के लिए कहा जाता था 3 अंक का, तो आप इस तरीके से क्या करते थे, कैसे क्या करते थे, तो सबसे पहले इस संख्या को ऊपर वाले की सभी संख्या से गुणा करके यहां लिखा करते थे, और फिर इस संख्या को ऊपर वाले में सभी से गुणा करके यहां लिखा करते थे, फिर इस संख्या को ऊपर वाले में सभी से गुणा करके यहां लिख करके, तब जितना आता था सभी का योगफल यहां पर लिखा जाता था। वाओ, इतना लंबा स्टेप, ओ माय गॉड। तो इतना लंबा स्टेप हम लोग को नहीं करना है। आज के इस वीडियो में जो हम ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, आपका आंसर एक स्टेप में निकल जाएगा, ठीक है। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बटन को दबा के रखें, ताकि इस तरह का कंटेंट जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो ट्रिक होगा, वो ट्रिक क्या होगा, देखिए दोस्तों, ट्रिक हम लोग का ये है, ठीक है। इसको हम लोग याद रखेंगे और 3 अंक का गुणा को एक झटके में कर लेंगे। इसको याद रखने का जो ट्रिक होगा हम लोग का, उसका निचोड़, इस पूरा स्टेप का निचोड़ जो है वो क्या है, 1 2 3 फिर 2 1। इस कोड भाषा को हम लोग याद रखेंगे, इस कोड को याद रखेंगे और इसी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, गुणा क्या करेंगे। इसको अंतिम में आपको बताया जाएगा कि आखिर ये 1 2 3 और 2 1 क्या है, ठीक है। इसको वीडियो के अंत में आपको ज़रूर बताया जाएगा और इससे एक सवाल को भी बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग का क्या क्या स्टेप है। टोटल यहाँ पर 5 स्टेप को लिया गया है, ठीक है। पहला स्टेप में क्या करना, अगर यदि मान चलिए इस तरह से 3 अंक का कोई संख्या दिया रहे ऊपर में और 3 अंक का कोई संख्या नीचे में दिया हुआ है, तो उस स्थिति में हम लोग को क्या करना है, स्टेप 1 में देखिए, स्टेप 1 में सबसे पहले करना है इस वाले अंक को इस वाले से गुणा कर देना, ठीक है। अंतिम वाले को अंतिम वाले से गुणा कर देना है। स्टेप 2 में क्या करना है, यहाँ पर से नीचे में इस वाले संख्या को इस वाले संख्या से और इस वाले संख्या को इस वाले संख्या, नीचे में 2 अंक को लेना है और ऊपर में भी 2 अंक को लेना है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 में यहाँ पर इस वाले संख्या, नीचे वाले के अंतिम वाले से और शुरू वाले के शुरू वाले, ऊपर वाले के शुरू वाले से, ठीक है, ऐसे क्रॉस में गुणा करना है और इसका भी क्रॉस में इस तरह से गुणा करना है, ठीक है, और बीच को बीच से गुणा कर देना है, ठीक है। उसके बाद चौथा स्टेप में हम लोग क्या है, यहाँ पर इस बीच वाले संख्या को इस कोने वाले संख्या से गुणा करना है और यहाँ नीचे के कोने वाले संख्या को इसके बीच वाले संख्या से गुणा कर देना, और आखिरी स्टेप में क्या करना है, शुरू वाले को शुरू वाले से गुणा करना। आपको लगता होगा कि यह बहुत ही लंबा चौड़ा है, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे, तो आपको गारंटी देता हूँ, यह स्टेप भी याद करवा करके रखूँगा, है ना। तो इस स्टेप को इस कोड में भाषा में, इस कोड भाषा में हम लोग याद करके गुणा को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, 124 गुना में 321 करना है। तो हम लोग का पहला स्टेप क्या है, हम लोग का पहला स्टेप है इस कोने वाले संख्या को कोने वाले संख्या से गुणा कर लेना ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर कर लीजिए, पहला स्टेप में ये हो जाएगा कि 4 गुना 1, तो क्या हो जाएगा, ये 4 होगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप में करना है ये, इस वाले संख्या को इस वाले से और इस वाले संख्या को इस वाले संख्या से गुणा कर लेंगे, और जितना होगा गुणा करने के बाद उसको जोड़ लेना है। तो चलिए करते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो सबसे पहले 2 एकम 2 हुआ तो यहाँ पर लिख लीजिए, है ना, और 2 चौके कितना आया, 8 आया, तो 8 लिख ली। अब इसको जोड़ लेना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 10, ठीक है, 10 होगा। 10 का क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे, क्लियर है। हासिल जो बच गया 1, इस हासिल को यहाँ पर लिख लीजिए, ताकि आगे अगर गुना करेंगे तो संख्या को लिखने में काम आ जाएगा। अब तीसरा स्टेप क्या कहता है, तीसरा स्टेप कहता है इस वाले संख्या को इस वाले संख्या से गुणा कीजिए, ठीक है। तो करते हैं, उसके बाद फिर इस वाले संख्या को इस वाले से, बीच वाले को बीच वाले से। तो यहाँ पर चलिए करके देखते हैं, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है, इसके सामने लिख दिए। उसके बाद 3 गुना 4 करेंगे, 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 होगा, ठीक है। उसके बाद दोनों कोने वाले का हो गया, यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का हो गया। अब बीच वाले का बीच वाले से करेंगे तो 2 दुना क्या हो जाएगा, ये 4 होगा। अब सभी को आपस में जोड़ लीजिए, सभी को जो आपस में जोड़ेंगे तो 1 1 2 2 4 4 क्या हो जाएगा, 8 होगा। तो 8 यहाँ लिखते हैं, है ना, क्योंकि 1 जो बचा इधर, सिर्फ 1 हासिल बच जाएगा, ये 1 हम लोग का बच गया हासिल। तो चलिए उसके बाद क्या करना है,
चौथा स्टेप में हम लोग करना है यहाँ पर इस वाले संख्या को इस वाले से और इस वाले संख्या को इस वाले संख्या से गुणा करना है, ठीक है। चौथा स्टेप में, तो चौथा स्टेप में करेंगे 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर लिख देखिए, 2 एकम 2 हुआ था और 2 तिया क्या हुआ, 6 हुआ। तो यहाँ पर लिख करके जोड़िए सबको, तो ये हो जाएगा 2 1 3 3 6, ये 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 9 लिख देंगे। और आखिरी स्टेप जो हम लोग का है, आखिरी स्टेप क्या है, इस वाले संख्या को इस वाले संख्या से गुणा करना है, यहाँ पर शुरू वाले का पहला से और नीचे वाले का पहला से। तो यहाँ पर 1 गुना 3 करेंगे तो ये 3 ही होगा। समझ में अगर यदि नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा नंबर का सवाल पड़ा है, उसमें हम लोग अभी करके देखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर का सवाल भी उसी तरह से बनेगा। हम लोग का पहला स्टेप जो होगा, स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप में हम लोग को करना क्या है, इसको ये जो संख्या है ऊपर नीचे, इसको डायरेक्ट आप गुना कर लीजिए। गुना कर लेंगे, 3 5 कितना होता है, 15 होता है ना, 3 5 होता है 15, हासिल बच गया कितना, 1। तो इस हासिल को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, ये वाले संख्या को इस वाले से और ये वाले संख्या को इस वाले से गुणा करना, मतलब 3 को 3 से और 6 को 5 से। तो करिए, 3 तिहाई कितना होता है, 9, तो यहाँ 9 लिख लिए, ठीक है। तो 6 5 कितना होता है, 30, तो यहाँ 30 लिख लिए। अब सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 9 1 10 का 0 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा हासिल जो आया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और हासिल बच जाएगा कितना, 4। तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब आगे का स्टेप जो कि तीसरा स्टेप होगा, तीसरा स्टेप क्या है, यहाँ इस वाले संख्या को इस वाले संख्या के कोने वाले से गुना कर लेंगे और इसका भी कोना वाला से गुना कर लेंगे, ठीक है, क्रॉस में, और इस बीच वाले संख्या को बीच वाले से गुना कर लेंगे। तो करके देखते हैं इसको, तो इस 3 को 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और हासिल पहले से बचा हुआ हम लोग का कितना, 4 है। तो यहाँ पर लिखे हैं, जगह नहीं कर रहने के कारण दोस्तों यहाँ लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया 4 यहाँ, और 3 चौका कितना हो गया, 12, और इस 2 को इससे गुना कीजिए, 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर क्या करना है, इस 6 को 3 से गुना कर लेना, 6 3 18। सभी को अब आपस में जोड़ देना, सभी को आपस में जोड़िएगा, 2 4 6 6 और 8 कितना होगा, 14, 14 का हो गया 4, हासिल बचा 1, 1 1 2 3 4, ये हो गया कितना, 44। 44 का क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, हासिल हम लोग का बच गया कितना, हासिल बच गया 4, है ना, हासिल 4 बच गया। इस 4 को भी यहाँ लिख लेते हैं हासिल को, ठीक है। उसके बाद देखिए, चौथा स्टेप हम लोग का क्या है, चौथा स्टेप यह चीज़ है, ठीक है। चौथा स्टेप है, इस बीच वाले संख्या को कोने वाले संख्या से और इस कोने वाले संख्या को बीच वाले संख्या से कर लेना। तो इसको इससे गुणा कर लेना है, 6 चौके 24, यहाँ पर लिख लीजिए 24, ठीक है। फिर इसको इससे कर लेना है गुणा, तो 2 तिया 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6। अब सबको जोड़ देना है, तो 4 4 8 8 6 14 का 4, हासिल बचा 1, उस 1 को इसमें जोड़ दीजिए, 2 1 3, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, ठीक है। हासिल कितना बचा, 3 बचा। अब क्या करना, लास्ट स्टेप जो आखिरी स्टेप होगा, इस वाले संख्या को इस वाले संख्या से गुना कर लेना है। तो आखिरी स्टेप है, तो 4 2 8, मतलब शुरू वाले संख्या को शुरू वाले से गुना करना, 4 2 8, और हासिल जो पहले से कितना बचा था, तो 3 बचा था, 8 3 हो जाएगा 11। इतना हम लोग का आंसर आया है। आपको अभी समझाने में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन आप जब इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो चलिए, अब हम लोग को ये चीज़ नहीं देखना है बार बार, ये चीज़ नहीं देखना पड़ेगा बार बार, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको एक कोड याद रखना पड़ेगा। कोड क्या है, 1 2 3, फिर 3 से वापस आ जाना कहाँ, 2 1 में, ठीक है। कहाँ तक जाना, 1 2 3, और फिर 3 से वापस आना है कहाँ, 2 1 तक चलेंगे, ठीक है। वो क्या 2 1 है, इसका कहने का मतलब ये है, इसको सवाल में करके देखते हैं। चलिए, सवाल हम लोग का ए है, ठीक है, तीसरा नंबर में। अब हम लोग को ये देखना ही नहीं, ये चीज़ करना ही नहीं, ये चीज़ कर ली वो समझाने के लिए किया गया था, अब हम लोग को ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखना है कि इतना लंबा सा ट्रिक। इस ट्रिक का निचोड़ आपको इस नंबर में दिखा दिया गया, इस संख्या में ही दिखा दिया गया, यह क्या है, तो चलिए अभी बना के देखते हैं, ठीक है। देखिए, इसका कहने मतलब ये हुआ, ट्रिक को याद रखेंगे आप, इसका कहने मतलब शुरू से इस इधर से जब भी गुना किया जाता है तो इधर से किया जाता है, तो इसका कहने एक जो है एक अंक है, मतलब एक अंक है, इसका भी एक अंक, एक इसका भी एक अंक, इसको ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, तो 4 छक्के कितना होता है, 24, है ना, 4 छक्के हो जाएगा 24, 24 के 4, हासिल बच गया 2, हासिल कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है। अब क्या है, यह 2 है,
दो कहने में तो दो अंक लेना है इधर से, है ना, इसका भी दो अंक, इसका भी दो अंक, और दोनों को क्रॉस में गुणा कर लेंगे, है ना। ये दो कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो 2 छक्के 12 और 4 चौके 16, तो यहाँ लिखेंगे 12 और 16, ठीक है। अब आपस में सभी को जोड़ लीजिए, 2 2 4 4 6 10 का 0 हासिल बचा 1, 1 तो 1 इसमें जोड़ देंगे, 1 1 2 2 1 3, तो 30 आया। 30 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, हासिल कितना बच गया, 3 बचा, तो 3 को यहाँ अलग से लिख लीजिए ताकि हम लोग को आगे का नंबर लिखने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए चलिए, 1 और 2 हो गया, अब यहाँ पर 3, 3 कहने का मतलब तीनों अंक को गुणा करेंगे, मतलब यह जो अंक है तीनों सभी को गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, तो यह इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, और बीच वाले को बीच वाले से करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 6 5 30, तो यहाँ पर लिख देते हैं 30, 3 चौके 12, तो यहाँ पर लिख दीजिए 12, 4 दूना 8, तो यहाँ पर लिख दीजिए 8। अब आपस में सभी को जोड़ लीजिए, 3 जोड़ 0 है तो 3 ही होगा, और फिर 3 जोड़ 2 5, 5 और 8 मिलके कितना होगा, 8 5 होता है 13, हासिल बचा 1, उस 1 को इसमें जोड़ दीजिए, 3 1 4 और 4 1 5, आया यह 53। 53 का क्या हो जाएगा, 53 का होगा 3, यहाँ पर बच जाएगा हासिल फिर से कितना, 5, 5 को यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक हो गया, अब फिर से 3 से आगे नहीं जाना, ऐसा नहीं कि 4 लिखेंगे, चूंकि 4 अंक तो है नहीं कहीं, है ना, तो यहाँ पर 3 से वापस आ जाना है, मतलब 2, ठीक है, 3 से 1 घट जाना है, 3 से 1 नीचे आ जाना है, तो यहाँ पर 2। 2 का कहने का मतलब ये हुआ कि अब 2 अंक का ही लेंगे, 2 अंक को ही लेंगे, तो वह 2 अंक कौन कौन होगा, तो यह 2 अंक होगा ये ए और ये वाला, ठीक है। तो अब इसको गुणा कैसे करेंगे, तो गुणा ऐसे करना, हमेशा क्रॉस में गुणा करना है, आपको ध्यान में रखिएगा, हमेशा क्रॉस में ही गुणा करना है। लेकिन 3 का जब बात आएगा तो उसमें क्या करना है, इसको इससे गुणा करके, इसको इससे गुणा करके, इसको बीच वाले से गुणा करते हैं। लेकिन 2 का जब यहाँ पर आया, तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किए थे, स्टार्ट किए थे 1 से 2 से 3 से, 1 से कर लिए, फिर ऐसे करके 2 से कर लिए, फिर 3 से कर लिए, अब 2 जो आएगा ये वाला 2, तो इसके लिए आएगा इधर से, शुरू से 2 अंक आएगा, ठीक है। तो शुरू से 2 अंक को गुणा कीजिए, तो क्या करेंगे, 4 5 20, 20 का हो जाएगा, यहाँ पर 20 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है 3 को 2 से गुणा करना, 3 को 2 से जब गुणा करेंगे ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो चलिए आपस में सभी को जोड़ लीजिए, 5 जोड़ 6 कितना हो जाएगा, 11, 11 का 1 हासिल 1 बचा है, तो उस 1 को इसमें जोड़ दीजिए, 2 1 3, यह आया 31, 31 का 1 हो जाएगा, हासिल हम लोग को बची है 3, इस 3 को यहाँ लिख रहे हैं हम, ठीक है। चलिए अब हम लोग का अंतिम जो बचा है, अंतिम कोड जो बचा है, क्या बचा है, 1 बचा है, मतलब 1 बचा है, तो ऊपर और नीचे का दोनों का एक एक अंक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 तिया क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इसको 3 जो पहले बचा हुआ था, 3 को और 5 को जोड़ लीजिए, 3 5 8 हो जाएगा, और 1 यहाँ पर आएगा, 18 बना। अब देखिए क्या करना हम लोग को, 18 बना, तो 18 को यहाँ पर पूरा पूरा लिख लेंगे, ठीक है। 18 क्या करेंगे, पूरा पूरा लिख लेंगे, चूंकि आगे अब गुणा करने के लिए नहीं है। तो देखिए आपका जो निचोड़ होगा, इस स्टेप को याद रखने का निचोड़ क्या होगा, ये पूरा पूरा पांचों स्टेप को याद रखने का निचोड़ ये होगा कि 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, इसको आप याद रख लेंगे, और इसी के द्वारा आप गुणा को बनाएंगे, चाहे किसी भी 3 अंक का गुणा दे दें, आप इसी के द्वारा, इसी कोड के द्वारा बनाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और घंटी के बटन को दबा कर रखें, ताकि जब भी मैं इस तरह का कंटेंट अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।